हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए चलो आज हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में। हाँ दोस्तों, हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने ऐलान किया है कि वह अब हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे अगर सब लोग उनका साथ दें तो। तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को यह पता होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है और हिंदू राष्ट्र कहाँ तक है। अखंड भारत जो था वो पूरा हिंदू राष्ट्र था। अखंड भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है वह भी क्लियर करें। और हिंदू राष्ट्र में कौन कौन से धर्म रहेंगे, कौन कौन से धर्म नहीं रहेंगे, कौन कौन से पंथ रहेंगे, उसका भी एक क्लेरिफिकेशन दें। क्योंकि सिर्फ कह देने से कि आपका अगर साथ रहेगा और मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आर्य काल के समय से, जैसे कि अभी रामायण की महाभारत की तो बात हम नहीं करते हैं, पर अभी जैसे कि जब ये सिकंदर आया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान से लेके, ऐसे तो ईरान से लेके, क्योंकि ईरान का जो भाग था, कुछ भाग पारस का, वो भी यानी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया था, और अफगानिस्तान यानी कि वहाँ से लेके पूरा भारत, नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम से लेके मलेशिया तक पूरा अखंड भारत में आता था। हाँ, श्रीलंका कहना मैं भूल गया, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने श्रीलंका क्यों बोला। दोस्तों, बागेश्वर वाले धाम शास्त्री का जो ये नया नारा है कि हिंदू राष्ट्र करके रहेंगे, तो हिंदू राष्ट्र तो बनाना ही चाहिए। मैं भी उसके साथ हूँ, और दोस्तों हो सके तो आप सभी लोग उनका साथ दें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन धर्म का बढ़ावा। हाँ दोस्तों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि सभी का अच्छा करता है, सभी का अच्छा चाहता है और सभी के बारे में अच्छा सोचता है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बोलने का बेबाक अंदाज है वो बहुत ही अच्छा है, और अच्छी बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं। वो जैसे कि वो कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, तो नहीं डरना चाहिए। अगर हमने कुछ गुनाह किया ही नहीं है तो हम क्यों डरें। और दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाना कोई गलत बात नहीं है। जिस देश में बहुसंख्यक लोग ज़्यादा होंगे वह वही राष्ट्र होगा। अगर जब मुस्लिम देश है, भाई सऊदी अरब है, मलेशिया है, या कोई भी अन्य देश है, पाकिस्तान है, वहाँ पर मुस्लिम है, तो वो लोग अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर चुके हैं, तो हम लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करते हैं? पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को यह चाहिए कि हिंदू राष्ट्र जो है वो हमारा ओरिजिनल हिंदू राष्ट्र जो था, यानी कि जो हमारा अखंड भारत था, उसको हिंदू राष्ट्र बनाएं, वो सबको एक मिलाएं, तभी असली हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। ऐसे कहने को तो कोई भी कह सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, करके दिखाएं तो माना जाए कि हाँ ये बात सही है। बाबा जी को जैसे चैलेंज पसंद है, तो ये मैं चैलेंज करता हूँ कि आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, हम आपके साथ हैं, कोई हो ना हो। दोस्तों, भारत में जो भी है सभी सनातनी हैं, और वो फिर कोई भी हो, इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने और सभी लोग सनातन धर्म का पालन करें। हाँ दोस्तों, हो सके उतने लोगों को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो कि जीव हत्या में नहीं मानता है। हाँ दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी धर्म है, परंतु इसे भी लोग भ्रष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, बस अब इतना ही। आपको मेरा चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं ऐसी बातें आप तक पहुँचाता रहूँ। और थैंक यू फ्रेंड्स।